देखती है, थैंक यू उसके लिए। तो हे दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज हम घर में हैं और जस्ट मैं अभी नहाया हूँ, आप लोग देख सकते हो टॉवल को यहाँ पर सुखा दिया हूँ और जस्ट खाना खा के निकल गया मैं इधर। और वैसे सुबह भी खाना खाया था और अभी थोड़ा मिठाई खाया था, कल का केसकाल से लिए थे ना मिठाई को, उसको खा लिया था। और माता जी गई है आज रामचरितमानस सुनने के लिए बास्कोट, एक वहां पर भागवत चल रहा है प्रतियोगिता। तो आज लगभग मेरे ख्याल से 8वां दिन है, 9 दिन हो गया बोल रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ तो दोस्तों मैं भी कुछ देर बाद जाऊंगा राहुल के पास, क्योंकि उसने जो पिकअप को बॉडी बनाया ना उसको देखकर बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कैसे बनाया है उसको। हाँ तो चलो चलते हैं राहुल के पास, पैदल जाएंगे दोस्तों, बिकॉज आज तक गाड़ी नहीं है और कार को तो नहीं निकाल सकते छोटी छोटी जगहों में जाने के लिए। हाँ तो चलो चलते हैं। अरे तू जा रही? तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ राहुल के पास और उधर चेतन भी बैठा था, उतना टाइम देखा था मैं वहाँ पर, और पैदल जा रहा हूँ तो मिलेंगे उनसे भी। 2-3 दिन हो गया नहीं मिले हैं, अच्छा नहीं लगता ना दोस्तों से नहीं मिले रहने से, कुछ टाइम के लिए जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने से कुछ अलग ही फील होता है, आप लोग समझ सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप लोग देख सकते हो पूरा खाली हो गया है, पानी यहाँ का सूखा है। तो मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल, बस पास में ही है उनका घर। तो दोस्तों मैं पहुंच गया, यह है वो पिकअप जो राहुल और उसके भैया लोग ने बनाया है, मस्त डीजे पिकअप बनाए हैं। और इधर अंदर का सीन दिखाते हैं आपको, इधर पीछे का ये है ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, आप लोग देख सकते हो, देखिए कुछ ऐसा। और अभी तो थोड़ा बाकी है पेंट वेंट करना, साइड से भी देख लीजिए, इधर दो दर्पण बनाने के डालने के लिए ये वाला डाले हैं ऑप्शन। और यह है अंदर का सीन, अंदर में है लकड़ी। दोस्तों यह डीजे पिकअप बना है, इसको सवारी के लिए नहीं है, लोग देख सकते हो। और यह है राहुल का दुकान इधर, राज बिल्डिंग एंड फैब्रिकेशन। तो भाई लोग मैं चेतन के पास आ गया, राहुल घर गया और ये चिकन चिकन वाला गेम खेल रहा है, कोक 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 कर रहा है इसके मोबाइल में मुर्गियां, तो देखो ना। और बैठे हैं, राहुल खाना खाने के लिए घर गया है, बस यार बैठे हैं, आज थोड़ा सा आलसी लग रहा है तो चेतन के साथ मिले हैं। और वैसे आज हमारे गाँव का मार्केट भी है। तो भाई लोग हम लोग जा रहे हैं केसकाल, ये गिर रहता मैं। तो दोस्तों चलो मिलते हैं केसकाल में। तो भाई लोग हम लोग केसकाल पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है, आप लोग देख सकते हो बहुत गाड़ियां लगी है, पूरा लाइन से लगी है गाड़ियां, आप लोग देख सकते हो सीन कुछ ऐसा है। और हम लोग रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, आज कैसे में कुछ धरना प्रदर्शन वगैरह हुआ होगा शायद, इसलिए बहुत लंबा ट्रैफिक लगा है। अभी जस्ट हम लोग पहुंच रहे हैं केसकाल में, मतलब बस स्टैंड एंट्री कर चुके हैं, सावधान बच्चे ऑटो में हैं, खाली ऑटो है। वो भैया फंस गए हम तो। तो भाई लोग पूरा ट्रैफिक जाम लगा है यार, बहुत लंबा लंबा। क्या बोला तूने? देखिए इधर का भी, देखिए इधर भी, देखिए बाइक वाले इधर उधर से लेके जा रहे हैं, तो बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है। भाई लोग ट्रैफिक क्लियर और हमारा काम भी क्लियर, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, मामा जी गाड़ी ला रहा है और डेविड भाई को छोड़ दिए, हमारा काम होगा उसके बाद, डेविड भाई आएगा उसका काम करवा रहा है, मेरा तो हो गया काम। हाँ तो चलो मामा गाड़ी निकाल रहा है पार्किंग के उधर से। तो भाई लोग अभी हम आए हैं सब्बीर मॉल में और आप लोग देख सकते हो डेविड ले रहा है अपने लिए शर्ट और मैं आया हूँ साथ में, तो हम भी कुछ कुछ पसंद करेंगे लेकिन मैं खरीदूंगा नहीं, थोड़ा सा महंगा है यहाँ पर, मतलब है ब्रांडेड और महंगा तो होगा ही, तो बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ का व्यू। और इधर से भी देखिए सीन यहाँ का, देखिए फिलहाल हम मेंस वेयर में है, यहाँ पर पूरा लोगों के लिए कपड़ा मिलता है इस हैट में, तो लोग चूज कर रहे हैं अपने पसंद का कपड़ा। तो डेविड भाई ने अपने लिए टी शर्ट पसंद कर लिया है और उधर पेमेंट कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो चल लो गर्लफ्रेंड मिल गई।
Yeah, boy. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं बहुत दिनों बाद मिले तो चलो अपन चलते हैं और कुछ लेना है तो यहाँ पर ले लिए कपड़े लगते हैं, सॉक्स जो भी है, जा रहे हैं हम लोग, आगे हसीन दिखाएंगे आपको, चलो। हम लोग पहुँच गए हैं डेविड भाई के सारे लोगों के किराया रूम में, अभी मजा आएगा ना, भिड़ो माल की दे रहे। ये देखो इधर है एक, बाकी अंदर में है बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब ये सारी बहुत है, मतलब अंदर का सीन नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों, बिकॉज मतलब प्राइवेसी है, क्योंकि लड़की लोगों का रूम है ना, नहीं दिखाएंगे। ऐसे हम लोग चाय वगैरह पियेंगे और उसका सीन दिखाएंगे आपको, चाय वगैरह पियेंगे उसको। हाँ, ऐसे मैं आपको पहला रूम का टूर करवा ही देता हूँ। तो ये है कि चाय वाली है, ये बेबी डॉल लव्यू करके लिखा है यहाँ पर, हमारे लिए चाय आ गया छोटे छोटे ग्लास में। तो चलो रे चाय पियेंगे। और ये मेरा सब्सक्राइबर है, डेली ब्लॉग देखती है, थैंक यू उसके लिए। ओह यार कितनी ऑसम है यार। आप लोग देख सकते हो चप्पल और जूता है, मतलब कितनी सारी लड़कियां। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। देखो ना पूरा झिल्ली में पैक कर दिए हैं, इसको रखें, अच्छा लगा मेरे को ये वाला डॉल टेडी बियर। तो भाई लोग अभी जस्ट हम डेविड के घर पहुंच गए हैं, आप लोग देख सकते हो, और ठंडी लगी है, जैकेट नहीं पकड़े थे, टाइम नहीं होगा करके हम, बस टाइम हो गया। तो ये डेविड का रूम है, इधर कुछ सामान अंदर कर रहे हैं, फिर हम यहाँ से आएंगे हमारे घर में। तीनों को एक ठंड लग रहा है, चलो दोस्तों चप्पल भी पहन लेते हैं तक। तो भाई लोग मैं भी पहुंच गया घर, और आज तो पूरा एरिया में लाइट गोल है, विश्रामपुरी में भी लाइट गोल है यार, तो हमारे एरिया में भी होगा ही। माता जी भी आ गई बास्कोट से, तो चलो अंदर चलते हैं। और मेरे मोबाइल में चार्ज भी कम है, तो पावर बैंक में चार्ज होगा तो उसी से चढ़ाएंगे, तो पहले अंदर आ गए। हाँ तो चलो दोस्तों मिलते हैं कुछ देर बाद। तो भाई लोग जस्ट खाना खा लिया यार, और वैसे लाइट भी तो नहीं आई है, तो मैं पावर बैंक रख लिया हूँ चार्ज चढ़ाने के लिए। और दोस्तों हम लोग गए थे डेविड, मैं और जागेश मामा के साथ केस काल, वो डेविड का बैंक में काम था तो मेरे को चल बोले, तो साथ में चल लिए हम लोग। हाँ तो दोस्तों हमने सब्बीर मॉल में थोड़ा फन किया आपने देखा, तो चलो इस ब्लॉग को यहीं करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।